तो फिर हम लोग जैसे कि जानते हैं कि व्हाट्सएप पे जो है 5 मिनट के बाद जो कोई भी मैसेज परमानेंटली डिलीट नहीं किया जाता है, बट ये दोस्तों एक ट्रिक से जो है संभव है। तो आज के ये वीडियो बस यही पे बेस्ड हुआ कि कैसे कोई भी मैसेज या फिर 5 मिनट से ज़्यादा हो या फिर बहुत दिन का जो पुराना है जो आप लोग जो है परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं किसी भी चैट से, वो कैसे आप लोग डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को जो है पूरा देखिए, और अगर पसंद आया वीडियो को तो प्लीज़ ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को पूरा ही देखते रहना और सबके साथ जो है शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ हो जाते हैं कि हम लोग कभी ना कभी तो कह देते हैं लेकिन वो हम लोग के बाद में जो है रिग्रेट होता है कि शायद हम लोग नहीं कहते वो सब, और वो टाइम निकल जाता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ कि हम लोग जो है डिलीट कर सके, जो 5 मिनट के बाद जो है कोई भी मैसेज डिलीट नहीं होता है, बट ये भी एक ट्रिक से जो है संभव है। तो ये वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे ये ट्रिक को जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस ट्रिक के लिए जो है सबसे पहले हम लोग को व्हाट्सएप पे चला जाना है, और कोई भी चैट मैं यहाँ पे साइड में आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर भी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे सभी स्टेप्स को जो है फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी हम लोग एक चैट में चला जाते हैं और कोई भी चैट पिक कर लेना जिसके साथ हम लोग जो है मैसेज डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक जो है चैट पिक कर लिया है, और यहाँ पे आप लोग चैट का जो है टाइम देख सकते हैं कि, और मेरा अभी सिस्टम को जो है टाइम देख सकते हैं, तो ये कल का चैट है और मेरा सिस्टम में भी देखिए कल का मैंने डेट डाल दिया है। तो ये डेट को आप लोग को जो है मैच करना होगा, यहाँ पे आप लोग डेट एंड टाइम में आ जाएंगे, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं, फिर ऑटोमेटिक टाइम डेट एंड टाइम को ऑफ कर देना है, ऑटोमेटिक टाइम जोन को भी आप लोग को जो है ऑफ कर देना है। इसके बाद सब कुछ आप लोग ऑफ करने के बाद आप लोग जो है वो डेट के या फिर वो टाइम आप लोग जब मैसेज भेजे थे 2-3 मिनट जो है इधर उधर करके जो है आप लोगों को टाइम सेट कर लेना है उस डेट के अंदर, और फिर आप लोगों को जो है व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप के जाने के बाद आप लोग जो है डिलीट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिलीट फॉर एवरीवन जो है वो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डिलीट फॉर एवरीवन हम लोग अगर कर देते हैं, इसके बाद जो है देख सकते हैं आपकी मैसेज जो है डिलीट हो गया है। इसके बाद हम लोग फिर से जो है डेट एंड टाइम में जाएंगे, वहाँ पे जाकर सब कुछ जो है फिर से नॉर्मल कर देंगे। तो ऐसे ही देख सकते हैं आप, यहाँ पे 29 दिसंबर फिर से हो गया, 3:22 PM जो है फिर से हो गया है। फिर हम लोग अगर WhatsApp पे जाएंगे और हम लोग नेट ऑन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये जो डिलीटेड मैसेज जो है वो डिलीवर्ड हो जाएगा, और जो हम लोग का रेसिपिएंट है वो मैसेज को जो ऑन नहीं एक्सेस कर पाएगा, वो जो है डिलीट हो चुका है फिर से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये यस्टरडे लिखा हुआ है, मतलब 28 दिसंबर का जो है ये चैट है, और मैंने जो है आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सक्सेसफुली जो है डिलीट कर दिया है। तो उम्मीद होगी आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, ये आप लोग जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है कि कोई भी मैसेज कभी आप लोग अगर सेंड कर देते और कोई अगर सीन नहीं किया होगा उसको, या फिर आप लोग जो है गलत मैसेज किसी को सेंड कर देते हैं और टाइम हो जाता है 5 मिनट के बाद भी, तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग जो है टाइम जो है टाइम के साथ जो है खेल के थोड़ा बहुत चेंज करके आप लोग कोई भी मैसेज किसी भी डेट में जो है डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी भी आप लोग जो है चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। अब बहुत ही क्लोज है हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के, तो 100 सब्सक्राइबर्स मार्क को जो भी है टच करवा दीजिए। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।